गर्मी में रखेगी ये आपका ध्यान, पोषण होगा भरपूर और आम की हस्ती में तो है ही मस्ती। कुछ ऐसी सी ही है आज की हमारी रेसिपी, आम के लड्डू, टेस्ट और पोषण दोनों पूरा पूरा। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम 200 से 250 ग्राम मखाना लेंगे और इन्हें दो टुकड़ों में कट करके क्लीन कर लेंगे कि कहीं अंदर में कोई कीड़ा या जाला ना लगा हो। और फिर इन्हें एक पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये अच्छे से लाइट गोल्डन ना हो जाए और एकदम से करारे क्रंची से ना हो जाए। अब हल्का सा ठंडा हो जाने पर मिक्सर ग्राइंडर में इन्हें ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। 2 से 3 बार ही बस पल्स मोड पे ग्राइंड करना है एंड ये पिस जाएगा। हमारी रेसिपी में 2 कप पिसा हुआ मखाना चाहिए एंड ये देखिए, ये एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट भी बैठ गया है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है सत्तू का आटा। हमारे यहाँ ये एज इट इज़ मिल जाता है, पर अगर आपको ना मिले तो आप भुने चने को पीस कर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम 1 कप सत्तू आटा यूज़ करेंगे और इसे भी पैन में पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उसके बाद ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 स्पून घी हम ऐड करेंगे और इस आटे को घी में धीरे धीरे कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में आप नोटिस करेंगे कि इसका रंग जो है वो बदल गया है और एक अच्छी सी खुशबू आने लगी, तभी बस आप गैस ऑफ कर दें एंड इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। सिंस गर्मी के लिए ये लड्डू हैं तो काजू बादाम की जगह बस थोड़े से मगज के बीज और पम्पकिन या कद्दू के सीड हम यूज़ करेंगे। तो बस इन्हें भी ड्राई रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर एंड इतने ही टाइम में आप नोटिस करेंगे कि सीड्स जो हैं वो फूल गए हैं एंड चटकने लगे हैं, मतलब सीड्स भी अब रोस्ट हो गए हैं। तो इसे भी आप एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब मेन इंग्रेडिएंट पर आते हैं। तो 2 आम हमने लिए हैं, इसमें काफ़ी पल्प था, तो अगर आपको इससे कम पल्प लगे तो 3 आम का आप यूज़ करें एंड प्लीज़ इस रेसिपी में रेशे वाला जो आम रहता है वो अवॉइड करें। अब इसे मिक्सर जार में एज इट इज़ ग्राइंड करके एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। ये लीजिए, प्यूरी भी अब रेडी हो गई है। अब हमें इस प्यूरी को अच्छे से पकाना है। हम कोई भी ऑयल या घी यूज नहीं करेंगे, बस पैन में ऐड करके मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे एंड बीच में मैंने थोड़ा सा गुलाब जल ऐड किया है। जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा वैसे वैसे हमें इसे लगातार चलाना पड़ेगा। बीच बीच में आप फ्लेम हाई एंड लो कर सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा मीठा ऐड करेंगे और उसके लिए हम 1 कप देसी खांड का यूज़ कर रहे हैं। आज की रेसिपी जो है वो हमारी हल्की मीठी रहेगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप खांड या चीनी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब फटाफट से इसे ऐड कर अच्छे से मिक्स करना शुरू करेंगे। ये देखिए मेल्ट हो गई है एंड आप देख रहे होंगे कि कलर भी बदल गया है, एकदम आम पापड़ वाली फील दे रहा है। तो अब बस गैस से इसे हटा लेंगे और गरम गरम में ही सबसे पहले सत्तू को धीरे धीरे कर इसमें मिलाना शुरू करेंगे। इतना मिल जाने पर हम इसमें छोटी इलायची पाउडर को ऐड करेंगे और तभी पिसा मखाना भी मिलाकर हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। अब बाकी का बचा हुआ मखाना और मेलन और पम्पकिन सीड्स को भी ऐड करना है। अब ये मिक्सचर काफ़ी ठंडा हो चुका है तो हम हाथों से हल्का घी लगाकर इसे अच्छे से मिक्स करना शुरू करेंगे। मिक्स करते करते देखिए ये खुद ब खुद एक डो में बंद किया है। एक बात का ध्यान रखिए कि हल्के हाथों से इस पूरे मिक्सचर को बनाना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। डो देखिए अब रेडी है। अब हाथों में हल्का सा घी लगाना है और छोटे छोटे पार्ट से बस इन्हें गोल शेप दे देना है, देखिए इस तरह से। एंड आपका पहला लड्डू हो गया है तैयार।
अब बाकी सारे डो के लिए भी ये सेम प्रोसेस आप रिपीट करिए। करीब 18 से 20 लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। टेस्ट में ये काफ़ी रिफ्रेशिंग सी फील देते हैं, मैंगो पापड़ का टेस्ट और साथ में हाई प्रोटीन और हेल्दी भी। ये लड्डू खुद में ऑल इन वन है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। एंड होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए अब जल्दी फिर मिलते हैं, एंड तब तक के लिए टेक केयर।